हेलो दोस्तों, टेक्नो गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ गाइडलाइन, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आरटीओ से रिलेटेड गाड़ी आपकी व्हीकल है, वो भले टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, इससे जुड़े कुछ मसले हो सकते हैं। इसके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे, जिसके जरिए मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल, इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही बेहतरीन बन सकती है, जो कि आपके हर किसी छोटे छोटे मुद्दों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो के जरिए मैं आपसे कुछ रूबरू होना चाहता हूँ, कुछ अपने ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने फील किए हैं दोस्तों। एक्चुअली हुआ क्या है, जैसे मैं आपको कुछ अपने ही ऐसे कुछ किस्से सुनाऊंगा जो मैं आज रियल लाइफ में फेस कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ऑफ माई व्हीकल विच इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ओनरशिप और मे बी एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस टू बी क्लियर्ड बाय आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस और एनी स्टेट विच कॉल फ्रॉम योर साइड दैट कुड बी बेस्ट फॉर यू, विच इज अ बेनिफिशियल फॉर यू एट द सेम टाइम। तो वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए शेयर करना चाहता हूँ, कुछ मेरी रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको इस वीडियो के जरिए शेयर करूँगा, बताऊँगा सर आप सभी को, और आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है दोस्तों। क्या हुआ है एक्चुअली, रियली देखा जाए तो कभी भी आप अपने व्हीकल से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, पहले आप उसे अच्छी तरह समझ लीजिए आपको करना क्या है। कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। जिस तरह से मैंने गलती की है, मैं नहीं चाहता हूं इस तरह की बैड एक्सपीरियंस से आप भी गुजरें। तो यह वीडियो हर उस इंसान के लिए, हर उस दोस्तों के लिए, हर उस बेहतरीन समझने वाले इंसान के लिए जो इस वीडियो को काफ़ी बेहतरीन तौर से समझना चाहेगा, देखना चाहेगा और जानना चाहेगा कि आखिर इस वीडियो के जरिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं दोस्तों। गाड़ी ली गई है, आप भले उसे नए व्हीकल लिए हैं आप थ्रू डीलर शोरूम से और किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड एजेंट से, कहीं से भी आपने अपनी गाड़ी परचेस की है, तो याद रखें कुछ पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से समझना है। आप अगर नई गाड़ी परचेस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शोरूम के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप अपनी ही गाड़ी को, लिए हुई गाड़ी को रिसेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, या किसी डैमेज कंडीशन में आ गई है, डिस्पोज करना चाहते हो, स्क्रैप हो गई है, तो कुछ मुद्दों को हमें विशेष ध्यान देना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस वीडियो के जरिए कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो मैं आज आपको शेयर करना चाहूँगा मेरे इस वीडियो के मार्फत, इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो बैड एक्सपीरियंस से मैं आज गुजर रहा हूँ या गुजर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस स्थिति से ना जाए, प्लीज़ ये अच्छी तरह समझ लीजिए दोस्तों। अक्सर होता क्या है, हम जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले लेते हैं जिसकी वजह से उसका खामियाजा हमें आखिरी वक्त तक उसका असर हमारे जहन में होता है, हमारे डेली लाइफ में होता है, हमारे संतुलन को भी डिस्टर्ब करता है, तो कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है दोस्तों, प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात को। मेरे साथ एक ऐसी, एक जस्ट मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ हादसे जैसे हो गए थे 2018 में के समय में, और उस समय मेरे पास ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होने के बाद मुझे वो गाड़ी डिस्पोज करनी हुई, या तो समझ लीजिए मुझे रीसेल करना पड़ा, स्क्रैप करना पड़ा, जो भी है। इंश्योरेंस कंपनी के जरिए मैंने उस गाड़ी को पूरी तरह से डिस्पोज कर दिया गया, बाद में पता चला कि वो गाड़ी किसी थर्ड पर्सन के जरिए उसे बेच दी गई है, और उसके बाद वह मैंने उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स 28, 29, 30 प्लस NOC, दैन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC होती है, वो ओरिजिनल भी उसी वक्त दे दी गई थी, जिसके एवज में मुझे अपने सेटलमेंट की वैल्यू मिल गई थी। यहाँ तक तो बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें आपने अपने तरीके से कर दी गई हैं, फॉर्म्स आपने सबमिट कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने सेटलमेंट की वैल्यू भी क्लेम कर दी गई, जो भी आपका इंश्योरेंस की वैल्यू थी वो आपको मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक तो ठीक है। जल्दबाजी किस बात की होती है, हम कुछ ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, हम साइन कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, आने वाले वक्त में हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हमें उसे फॉलोअप करना है। हम उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिसे हमने ट्रांसफर ओनरशिप के जरिए फॉर्म फिल करके दे दिया गया है, किसी बायर को हमने वो अपनी व्हीकल बेच दी है, उससे रिलेटेड सारे फॉर्म्स क्लियर कर दिए हैं, अपने ओरिजिनल RC तक दे दिए हैं, और हम फिर निश्चिंत हो जाते हैं, नहीं,
यह आप एज अ ओनर आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने व्हीकल की सारी जिम्मेदारी स्वतः उठाएं, खुद उठाएं। सेल्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% बढ़ जाती है जब तक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बायर के नाम पे नहीं हो जाती है। तो इस चीज को आज यही सबसे बड़ी गलती मेरे साथ हुई है। मैंने उस वक्त अपने कह सकते हैं अपने काम के वजह से या किसी और स्थिति की वजह से मैं अगर उसे फॉलोअप नहीं किया हूं तो आज उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, अपार भी रहा है। एज अ ओनर हमें यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने उस व्हीकल के ट्रांसफर ओनरशिप का पूरी तरह से कंफर्मेशन कितने समय में होने वाला है। पहले तो होगा 30 डेज में, उसके बाद 90 डेज, मैक्स टू मैक्स 90 डेज तक। आउट ऑफ टाउन है, स्टेट है, तो हम उसे और 60 डेज पकड़ सकते हैं 90 डेज के अंदर। एटलीस्ट 30 डेज के अंदर वो सारी चीजें पूरी हो जानी बहुत जरूरी है। इस कोशिश में रहना चाहिए कि अपने सारे पेपर जो भी दिए गए हैं हमने ट्रांसफर ओनरशिप के, आपके आरसी के, वो सारे तब्दील हो जाएं, ट्रांसफर हो जाएं थ्रू रीजनल ट्रांसफर ऑफिस के जरिए और आप बेहतरीन तौर से रिलैक्स होकर रह सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, गाड़ी रास्ते में चल रही है, आपके नाम से रजिस्टर्ड है और उसे कभी भी किसी भी वक्त रिस्क के फैक्टर में पकड़ा जाएगा, ट्रेस होगा, कोई चलान हो सकते हैं, कोई पेनल्टी हो सकती है। अल्टीमेटली मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहते हैं, आपके एड्रेस रहते हैं, आरसी अब भी आप ही के नाम पे है, वो सारा का सारा खामियाजा, सारे चलान्स, पेनल्टीज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के जरिए आपको ही मिलेंगे, उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। दोस्तों कोशिश ये करें कि उस वक्त आपकी ये जिम्मेदारी होती है फॉलोअप करके लें, बायर से बात करके लें और उससे रिलेटेड सारी जो इंफॉर्मेशन है हासिल करें। कोशिश करें मीडिएटर्स के जरिए या जैसी भी स्थिति बन सकती है आप जल्द से जल्द इसे क्लोज करें, सारे डॉक्यूमेंटेशंस ट्रांसफर कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप रिलैक्स हो जाओगे। हमें ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये अपने से ही शुरू होती हैं, तो हमें अपने से ही इसे खत्म करनी होगी दोस्तों, ये और किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं चाहता हूं हर ओनर इस चीज को देखे। मैंने कमेंट्स देखे, मैं हर वेबसाइट के जरिए ये कोशिश कर रहा था कि देखा जाए कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसी मसले से मैं भी गुजर रहा हूं और मैंने अब धीरे धीरे उसे सेटल करने की कोशिश की हुई है। और आज के डेट में मैं आपको इस वीडियो के जरिए यही बताना चाहूंगा कि लगभग मुझे 3 साल, समझ लीजिए 3 से 4 साल, 4 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई थी। सो मैंने किसी तरह से थ्रू ई चालान में जब डेटा डिटेल्स कैप्चर हुआ उसके बाद ही वो स्थिति आई कि ये सारे क्लियर हुए, डॉक्यूमेंटेशंस की क्लियरेंस मैंने क्लियर करवाए, बायर से मिला, उसके बाद वो सारी प्रोसीजर्स को फॉलो किए और आज एक स्टेज में आया हूँ कि अब मैं NOC के जरिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के जरिए आज के डेट में ये हो सकता है कि जल्द से जल्द वह नाम चेंज हो जाएगा, मेरा नाम चेंज होने के बाद बायर के नाम पे चला जाएगा। तो ये 4 साल लग गए, इस 4 साल के दौरान गाड़ी रास्ते में घूम रही है, मैं उसे, मुझे नहीं पता है कहाँ है, इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, कैसे ट्रेस करोगे, बहुत डिफिकल्ट होता है। उस वक्त एहसास जब होता है जब आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आते हैं तब आपको लगता है ओह ये क्या हो गया। इस परेशान से बचने के लिए हमें सदा ये ध्यान रखना, ये वीडियो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, काफ़ी काम की चीज़ है दोस्तों, समझने वाली बात है। मैं इस वीडियो के जरिए हर उस इंसान को बताना चाहूँगा, हर वो दोस्त से बताना चाहूँगा कि जो अगर कोई इस स्थिति से आज के डेट में गुजर रहा, प्रेजेंट सिनेरियो उनका ये है, तो प्लीज़ आप इसे फॉलोअप करें, जरूरी से जल्द वो सारे कागजात क्लियर करें और रिलैक्स हो जाएं। मेरा जैसा बैड एक्सपीरियंस अगर आपके साथ है तो प्लीज जल्द से जल्द आप इसका निपटारा करें, कोशिश करें कि बहुत लंबा ना जाए, क्योंकि बाद में इसकी जो खामियां, इसकी जो गलतियां, इसके जो रिस्क हैं 100% ओनर के हो जाते हैं। इसलिए कानूनी दावपेच से बचने के लिए हर एक कोशिश से आपको रिलैक्स रहना है। एक इंसानियत के तौर पर मैं ये कहूंगा दोस्तों, आपने अगर ये फॉर्मेलिटीज की हैं तो जल्द से जल्द इसको निपटाएं, रिजॉल्व करें, बायर से मिले, जल्द से जल्द आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करें, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को क्लियर करें, अपने व्हीकल के सारी जिम्मेदारी बायर्स को दे दें, तो आप रिलैक्स हो सकते हो। जब भी आप इस तरह की सेल करोगे या फिर आप किसी तरह से पुरानी गाड़ी को बेचना चाहोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर करिए दोस्तों। इस वीडियो के मार्फत मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको एक ही काम करना है, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करेंगे, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, तो पूरी
मतलब ये समझिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स मन से, ध्यान से, पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर क्या मेरी जिम्मेदारी है इसे समझें, किस फॉर्म को मैंने भरा है इस फॉर्म के बारे में पूरी तसल्ली करें, उसकी एक कॉपीज अपने पास रखें आने वाले समय के लिए, कभी कोई हादसा हो जाए, कहीं आपके साथ उसके कॉन्टेक्ट ना हो पाए, आपके पास उसके कोई इंफॉर्मेशन ना हो पाए, तब क्या करेंगे। उस कंडीशन में हम आपको एटलीस्ट ये बताना चाहेंगे कि आपकी इस खबरदारी की वजह से, आपकी इस डॉक्यूमेंटेशन की कॉपीज की वजह से जो आपने साइन करके दिया है, उस चीज को आप आने वाले समय में सही समय में लीगली उसे पुटअप करके अपने आप को सेफ रख पाएंगे। परचेस ऑफ व्हीकल का जो एफिडेविट होता है वो रखिए अपने पास, साथ साथ में आपने जो दिया हुआ वो कॉपीज, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड प्रूफ एविडेंस आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। मैं वहां पे देखता था वेबसाइट्स में कमेंट्स हैं, 10-10 साल लोगों की गाड़ियां ट्रांसफर नहीं हो रखी हैं, कैसे होगा क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं वो लोग, कैसे किया जाए, उनमें लीगल ओपिनियन भी लिए जाते हैं सारी चीजों के। लेकिन जहां मैंने उसका कंक्लूजन देखा तो केवल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के समय केवल जिम्मेदारी ओनरशिप की होती है, जो फर्स्ट ओनर होगा जिसने गाड़ी बेची है वो ही जिम्मेदार होता है, जिसके वजह से वो कितने बड़े दुख का कारण बनता है उसे उसके बारे में और कोई नहीं जानता है जो उस टेंशन से गुजरता है, केवल वो ही उसका फीलिंग्स को समझ सकता है कि वो किस तरह से वो परेशान है, किस तरह से वो समझ नहीं पाता कि वो उस भंवर से कैसे निकले, कैसे बाहर निकले। लेकिन ये रियलाइज तब होता है जब उस इंसान को स्वतः उसके दर्द से गुजरना पड़ता है। तो मैं उन सभी दोस्तों के लिए इस वीडियो के जरिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, दोस्तों प्लीज जब भी अपनी गाड़ी बेचें, खरीदें और कोई भी प्रोसीजर्स आप फॉलो करें थ्रू आरटीओ, प्लीज लीगली सारे पेपर्स क्लियर रखें अपने पास, कॉपीज अपने पास रखें, उसकी हर एक डॉक्यूमेंट्स की इतनी वैल्यू है, आप उस हर एक फॉर्म के एक्ट को समझने की कोशिश करें आरटीओ के रिलेटेड। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आप सारे अपने जो भी ट्रांसफर के गाड़ी खरीदने बेचने वाले सारे प्रोसीजर्स को जब आप समझोगे जानोगे, हर एक एक्ट को समझना बहुत जरूरी है, हर एक सेक्शंस के क्या मायने हैं ये समझना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, जल्दबाजी में फैसला लोगे तो अंत में आपको ही उसका भुगतान करना होगा, आप ही उसके सारे रिस्क के दावेदार होंगे। तो दोस्तों मैं इसी बैड एक्सपीरियंस से जो मैंने अनुभव लिए हैं वही मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई चालान आ रहे हैं, कोई पेनल्टीज आ रहे हैं, तो इसका रिजॉल्व जल्द से जल्द करने के लिए प्लीज आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझें, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जो भी फॉर्म्स हैं, दस्तावेज हैं, इसकी पूरी जांच करें, वो सारे उसकी कॉपीज अपने पास हमेशा रखें। मेनली फॉलो जो दिए हुए समय है, टाइमलाइन है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की, जो टाइमलाइन है उस ट्रांसफर को करने के लिए आपको जल्द से जल्द उसे क्लियर करना है। अगर बायर नहीं कर रहा है तो आप ही उसके बीच में फॉलोअप करके क्लोज करें और अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो केवल इसीलिए है ताकि आपको यह जानकारी एक उचित लगे, और इसका एक ही इम्पॉर्टेंट मकसद हो सकता है, जो कोई अगर उसमें गुजर रहा है उसे प्लीज़ ये चीज़ें देखनी चाहिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे क्लियर होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, अपनी जिम्मेदारी क्या है ये जानने के लिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में कोई अच्छे से इन्फॉर्मेशन के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की ज़रूरत है, और मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आने वाले हर वीडियो को आप देखोगे इन्फॉर्मेटिव है, फ्रूटफुल रहता है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इसी वीडियो में कुछ अच्छे दिलचस्प अंदाज के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, जय हिंद जय भारत।